मतलब खुश हो जाना चाहिए बस उतना काम कर देना चाहिए जितना आप जितना लास्ट एंड मोमेंट तक इसना मारेंगे ऐसा मारेंगे कि मतलब कुछ हो जाए <laughs> <laughs> आपसे मिलके मजा आ गया देखो आज तो आ रहा है मजा आ गया रोकना नहीं है नो no बेंचमार्क ये ऐसा हाँ, लगता है हाँ, अब आपके दिमाग में ख्याल आया हाँ, कि हम एक लेक को रिजुनेट करते हैं हाँ, ठीक है हाँ, एकदम से नहीं आता हाँ, उसके पीछे कहानी सही बात है है सही सही बात बात ना उसके पीछे आपके जो विचार होते हैं आपकी जो ब्रिंगिंग होती है आपका जो हिस्ट्री होती है जहाँ पे आप पले होते हैं बड़े होते हैं जिन लोगों के साथ रहते हैं सब होता है ना तो आपका कैसे बच आप देखिए ये जो झील का बात है हाँ। ये झील का बात है, चार मेरा ग्रदर का टाइम से ये हाँ। हमारा ब्लड में है, है हाँ। मतलब हाँ। बैंगलोर से अबाउट चालीस चार, चार सौ किलोमीटर दूर में अच्छा उसमें क्या है वो छोटा सा विलेज है उसमें हमने जिया सो मेरा जो खेत में एक मल्लीगवाड़ मेरा सरनेम है मल्लीगवाड़ वार्ड मल्लिक वार्ड लेक बोल के एक है वो अराउंड सौ सा, साल पहले ही बना के रखा है अच्छा। मेरा ग्रैंडफादर ने अच्छा हाँ जी इससे अच्छा पानी है उसमें आप हाँ। समझिए वो पूरा ड्रॉट एरिया है हमारा हाँ। पूरा नॉर्थ कर्नाटक का कोपला हाँ। डिस्ट्रिक्ट तो पूरा ड्रॉट हाँ। तो तीन सौ चार सौ मिलीमीटर पानी भी नहीं गिरता है पूरा प्लेन लैंड बोलते है वहाँ पे वो लोग जो झील बना के रखा उस टाइम में वहाँ पे पौधे भी लगाया सब कुछ लगाया सारे जो खेत में फार्मर्स काम करते हैं सराउंडिंग अराउंड तीन चार किलोमीटर वहाँ पे आके खाना जो लाता है खाना खा के वो पानी पी के पेड़ के नीचे आराम से थोड़ी देर सो के जाता था ये चाइल्डहुड में हमने जब भी खेत में जाता था वो देखा था देखा वो एक इंफ्लुएंस है ब्लड में वो एक पेपर भी पढ़ा था अखबार में 2025 में बीबीसी वर्ल्ड एक न्यूज में आया कि विल बिकम जीरो वाटर सिटी आफ्टर दी केप टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका इसलिए इसे थोड़ा टेंशन टेंशन में हमने सोचा बैंगलुर के बारे में स्टडी करने शुरू किया ये क्या है एक्चुअली रिवर्स ऋषिभावती कुमुदावती ऐसा चार पांच रिवर्स है छोटे छोटे रिवर्स है वो बैंगलुरु वाज डिपेंडिंग अपन लेक ओनली जब लेक डिस्ट्रॉय किया पानी चला गया बोल के पता चला हमने सोचा ऑलरेडी लेक मेरा ब्लड में था सो हमने शुरू किया कम से कम एक लेक बना देगी अच्छा लेकिन आनंद जी एक बात हाँ। बताइए ये तो एक लेक हो हाँ गया अभी तक हमें आपके और लेक्स के बारे में पता चला आपके बचपन कैसा रहा हुँ. आपका माइंड सेट कैसा आपकी सोच कैसी है यह शायद अभी तक हमें पता चल गया हुँ. पहला लेख जो बनाया आपने हुँ. तब उम्र कितनी थी थर्टी फाइव तक मेरा कार देखा अच्छा घर देखा तंका देखा तीन लाख तक प्रॉफिट शेयरिंग देखा सब कुछ देखा क्यों बोल दिया तो मेहनत भी ऐसी किया ईमानदारी से काम किया वो देख लिया उसका बाद सब क्या सोचते हैं पच्चीस तक शादी करता है पैतीस तक को वो लोग शेटल होने में देखता है और पचास साल में उनको रियलाइज होगा हमने इतना बुढ़ा हो गया कुछ कुछ हो गया हमने कुछ नहीं कर पाया तब सोचते हैं कुछ समाज सा, सेवा करेंगे तब बहुत जनरेशन गैप भी हो जाएगा सुनने वाला नहीं है आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा आप वापस उस टाइम में ये भी जो जोश में हम लोग काम कर रहे हैं ये सेटिंग करने के लिए मेरे को सात साल लग गया अब देखिये थर्टी में शुरू किया अभी फोर्टी वन है समझिए छह साल मेरे को आदमी को समझाना डिफिकल्ट लगा मेरे को। ना। ना। अभी तो अपने आप बहुत काम होने के का बाद आ रहे हैं मीडिया को भी थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि ये कच्ची काम को ये कोने में दिखा दिया कर दिया तो किसको पता चल देखिए अभी एक विलेज है बेंगलुरु से अराउंड बीस किलोमीटर कोने किनारे में किया मैंने सिटी में नहीं किया ये जब दिखाया तब को आदमी को पता चला ऐसा तो गया। गया? Uh, uh, लगता है कहीं ना कहीं आप अच्छा काम तो कर रहे हैं हाँ। आपके इंटेंशन पब्लिसिटी की नहीं है नहीं है। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए Correct. क्योंकि आपकी कहानी आपकी बातें आपका जो काम है कब कहा किसको इंस्पायर करते कोई नहीं जान तो अभी कितने लेक हो गए सोलह हो गए अभी टोटल दस हमने खुद किया ये जो आप बैठा है ये लेक है अच्छा दस खुद किया चार लेक सबको हेल्प किया मेरा जिंदगी में सपना ये है ट्वेंटी वन सिटीज जो जीरो वाटर होता है उसको सारे में कम करने है नॉट ओनली बैंगलोर नॉट ओनली कर्नाटका मेरा एक ही गोल है लेक लेक विजन क्लियर ओनली लेक हर चीज में हम नहीं घुसूंगा ठीक है ना उसमें अच्छा रिजल्ट पे आ रहा है हजारों बोरवेल चेंज हुआ सर hmm. हजारों बोरवेल बोरवेल से खाली पीने का पानी नहीं है सर आप देखिए कितना किसान लोग hmm. उसका खेत में पानी नहीं था बोरवेल में वो ऑटो ड्राइवर काम करता था कंक्रीट का काम का का करता था बिल्डिंग का काम का का करता था जब पानी आ गया वो फ्लावर ग्रो कर रहे फ्रूट्स ग्रो कर रहे वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं hmm. दिस चेंजिंग पीपल इकनॉमिक आपका पाकिट में हज़ार रुपये है हज़ार रुपये का आपका पानी देगा तो एक बार पी लिया तो खत्म हो गया समझो वही हज़ार रुपये में एक गड्ढा बना दीजिए और गड्ढा में अपने आप बारिश आएगा वही भरेगा, वही फिलअप होगा फिर वही काली होगा आपका हजार रुपए काली ह्यूमन का यूज होता है बट ये गड्ढा बनाने से प्राणी और पक्षी और जल जर सब चीज के यूज होगा सॉइल एरोजन कंट्रोल करना प्लास्टिक पेट बॉटल्स फ्यूचर में सीवेज जाना वो सारे प्रोटेक्टेड है मतलब एक बैठने का सीट से पकड़ के एवरीथिंग इज रिवर्स इंजीनियरिंग हाँ। ऐसी चीजें हैं जो सस्टेनेबल भी सस्टेनेबल भी है उस इको के साथ चले साथ चले हाँ। पत्थर है नेचुरल पारक सीमेंट है अन्यचुरल सो पत्थर लगा दे सो लाइक दैट वी हैव डन और लॉन्ग टर्म भी है, है।, चले। भी है। हाँ। अब जो भी पौधे लगाए इधर कोई भी मेंटेनेंस नहीं है वी डोंट कट वी डोंट मेंटेन वो सारे पौधे नेचुरली ग्रो होगा नेचुरली बड़ा होगा आप कभी तो आया हुआ कोई वीक मोमेंट हर बार आते रहते हैं हर आदमी हर तो लेक में आता है हर लेक में हर दिन आता है hmm. नया लेक नया चैलेंजेस नया आदमी लोग मिलता है अभी देखे ट्वेंटी नाइन विलेजेस hmm. एक लाख नब्बे हजार आदमी लोग को hmm. हमने टैकल करके लेक बनाया समझे hmm. अभी थर्टी पंद्रह फिफ्टीन लेक जाएगा तो उधर अलग आदमी अलग चैलेंजेस अलग प्रॉब्लम्स सो देर इज नो एंड फॉर इट बट आई स्टार्ट एंजॉइंग विद इट जितना प्रॉब्लम आता आता है उसको पॉजिटिव में लेके एंजॉय करने शुरू कर दिया मतलब हर एक एक दिन भी आपको आशा पैदा करता है देखो कल बहुत प्रॉब्लम था टेंशन नहीं आज था। नहीं है हाँ। कल और आएगा समझो परसों दो दो एक हफ्ता नहीं आएगा जब नहीं आएगा प्रॉब्लम तब ऐसी रनिंग होते 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 सो सात साल गुजर गए आपको क्या इंस्पायर करता आपको क्या मोटिवेट करता मेरे को मोटिवेट ये है जब भी अभी देखिए अभी बैठा है आप आए वो एंगल देखो Hmm. <laughs> क्या लगता है आपको बताइए ये ये मेरा बीवी बच्चा नंबर होने। hmm. आप देखिए hmm. जब हम लेकिन जाऊंगा बोल दिया तो इतना प्यार से बेच देता है खाना खिला के आएगा नहीं आएगा hmm. तुम तो लेक में बैठ जाएगा तो हो गया तुमको खाना नहीं चाहिए पानी नहीं चाहिए मतलब फैमिली को इतना खुशी हुआ हमारा काम से देर आर ग्यारह स्ट्रीम्स फोर्टी फाइव लेक ये सब चार सौ पचास एकड़ लेक में चला जाता है ओके बड़ा वो 450 एकड़ लेक करने के लिए मेरे को 100 करोड़ चाहिए पाँच साल चाहिए पैसा नहीं है इसलिए वो बचाने के लिए ये सब चल रहे मैंने मतलब थर्टी परसेंट जर्नी खत्म हुआ हु, यहाँ से बड़ा लेक बड़ा से रिवर तक रिवर से ओशन तक अगर हमने ये एक साइकिल टच कर दिया मेरा जिंदगी इंडिविजुअली जैसे मैं और मेरे जैसे और जो आम लोग हैं वो आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े uh, क्या करना है देखिए एक एक आदमी को एक एक टैलेंट होता है hmm. सी पैसा सब नहीं है hmm. ये लेक पैसा से नहीं बना hmm. लेक बनाने के लिए पैसा खाली नहीं चाहिए आर लॉट मेनी आप देखिए आप ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी hmm. जुड़ चुका है hmm. जो अच्छी काम hmm. आप दुनिया को दिखा रहे हैं ये नेगेटिव वर्ल्ड है राइट नाउ है ना वो पॉलिटिक्स ऐसा है डीजल प्राइस बढ़ गया ये वो सारे चक्कर में आप क्या दिखा रहे हैं अभी एक पॉजिटिव चीज दिखा रहे पॉजिटिव चीज दिखाना भी आपका टैलेंट है ठीक है आप ऑलरेडी जुड़ चुके हम बोलते हैं हर वॉल्टियर को डोंट कम अप अप प्लान कम योर स्ट्रेंथ समझिए दस आदमी जोड़ना चाहते हैं हाँ, एक आदमी अच्छा बात करना चाहता है वो समझाना चाहता है वो समझदार आदमी हम बोलते हैं ये लेख के बारे में एक लिटरेचर लिखो हर आदमी को बोलते जाओ आप हर आदमी को इंस्पायर करो उनका डिजाइन एक्सप्लेन करो ये एक आदमी फोटोग्राफी में अच्छी है हमने बोलते हैं अच्छी पॉजिटिव पॉजिटिव फोटोग्राफ्स निकलो आदमी को छोड़ो उसका अंक ठंडा होगा मन शांत होगा है ना देखिए आप ये वीडियो में सूदिंग इफेक्ट है सो यू आर सम एक आदमी बीवी से झगड़ा करके बैठा है टेंशन में अगर आपको वीडियो कॉल दिया देखो वो इंस्टांट एटलीस्ट यू विल हैव अ रिलैक्सेशन है ना काली बीवी का साथ झगड़ा करेगा तो दुनिया खत्म नहीं हुआ और भी है दुनिया hmm. देखो आनंद भाई और अवरेक hmm. और भाई दोनों मिलके एक वीडियो बनाया hmm. इतना अच्छा ग्रीनरी दिखा रहे हैं पक्षी hmm. दिखा रहे हैं hmm. वो लेक का पानी पे रहे मतलब यू आर गिविंग बेस्ट मेडिसिन फॉर पीपल नहीं एक पॉजिटिव काली इंफॉर्मेशन नहीं है इंस्पिरेशन नहीं है एनर्जी है यू आर गिविंग एनर्जी एंड इसमें कितना टूल्स रहता है हमने बोला आपको जब शुरू किया मेरे पास कुछ नहीं था एक hmm. सौ पचास रुपए लेके बेंगलोर में आया hmm. हम लोकल नहीं है कुछ नहीं विदाउट हैविंग एनी टूल्स एंड रिसोर्स इफ दैट गई कैन एबल टू डू आई एम हैविंग एवरीथिंग बिकॉज ऑफ एक बीवी का साथ झगड़ा करके क्यों टेंशन लेना है hmm. खत्म मतलब यू आर गिविंग माय टूल ये डेढ़ सौ रुपये वाली कहानी बताइए हाँ सो so क्या हुआ, hmm. हुआ जब हमने टेंथ टेंथ खत्म किया विलेज hmm. में hmm. खत्म होने के बाद मेरा भाई इधर बेंगलोर में रहता था अच्छा बड़ा भाई आ, बड़ा भाई बेंगलोर में रहता था यहाँ पे दो ही है तो बर्बाद हो जाएगा so, ये अभी भी है माइंड सेट सबको विलेज में अगर लड़के लोग को छोड़ेगा तो गलत लड़के लोग बर्बाद हो जाएगा इसको सिटी लाना है लाइफ दिखाना है कमाना सिखाना है मेरा भाई बोला था 176 hmm. प्लेटफॉर्म सेवन में जाना है hmm. हमने पूरा देखा ढूंढ के आया तीस है ऐसा सेवन में बैठ गया ओके hmm. okay. अभी 175 बस चढ़ना चढ़ गया उसने बोला था ये आले का बाद जे पी नगर बोल के आता है उसका बाद बिल्डेकली बोल के एक जगह आता है वहाँ पे एक कल्याण मंदिर है hmm. मतलब उस टाइम में इतना बड़ा शेयर भी नहीं था है। ना, अब समझिए अभी ना, तो पता नहीं चलेगा उस टाइम में थोड़ा कम ही था समझो वो चौटरी के पास उतर जाना चाहिए हमने ऐसा देखा 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 उसमें शिल्पा चौटरी ऐसा बहुत चौटरी आया उसमें बहुत कल्याणी चौटरी हम क्या कर दिया चौटरी कल्याणी इधर है हमारा बस स्टॉप इधर है हमने बैठ गया आराम से Hmm. वो जाते जाते कल्याणी देख लिया एक 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 रुको, 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 रुको रुको कल्याणी उतर hmm. जाके उतरो बोल के उतर दिया हमने वापस कल्याणी को कैसे इसका पीछे रोड में चले जाओ दूसरा बस में चढ़ जाओ हमने सोचा दूसरा बस में चढ़ गया तो फिर कई जगह में छोड़ जा तो मर जाऊंगा मैं यू नॉट बिली बैग फिर पूरा चार किलोमीटर पैदल आया वही रोड में <laughs> बाद में कल्याणी चौटरी मिल गया बहुत खुशी हो गया मिल गया मेरे को <laughs> वहां पे ऐसी पागलों की तरह खड़ा था मेरा भाई का फ्रेंड को भेजा उसको पता था उसको भेजा वो है कैसे कि टच किया मेट्रो ऑफ हो गए मेरा अरे यार ये कौन है ऐसा <laughs> भाई है क्या हाँ गांव से है ना आ जाओ बोल के लेके गया लेके गया इतना सा चिंटू सा रूम उसको अंदर पांच आदमी हमने बोला यार हमारे घर में तो सारा इतना बड़ा घर है <laughs> इतना है, उसमें पांच आदमी तुम लोग क्या चिंटू रूम में क्यों रहता है अच्छा घर ले लो वो बोलता है तंखा जाता है तंका दे दो ले लो बाद में मेरा को पता चला तंका उसका अर्निंग हिसाब से रहता है नहीं हमारे गाँव में तो वैसा लेना देना नहीं है अगर आपको एक मैसेज देना हो जैसे हमारा जो ऑडियंस है जो वीडियोस देखता है ज्यादातर यंग लोग है अभी आपने अपनी कहानी बताई कि कहां से आप आए हाँ। कैसे शुरू किया ठीक हाँ। है हाँ। तो कई बार क्या होता है ज्यादातर छोटी शहरों से जो लोग आते हैं उनकी उम्मीदें छोटी होती हैं आपको लगता है कि नहीं यार बड़े शहर में बड़े स्कूल के बड़े कॉलेज के बच्चे हैं हम क्या कुछ कर पाएंगे उनको इंग्लिश अच्छे से आती हमको तो नहीं आती वो अच्छे स्कूल में पढ़े अच्छे कॉलेज में पढ़े हमको तो नहीं आता हम कैसे कर पाएंगे तो आपकी स्टोरी उनको इंस्पायर करती Correct. है कि जब एक 16 साल का बच्चा गांव से Correct. निकल के करेक्ट बड़े शहर में आके करेक्ट सिर्फ पढ़ाई और नौकरी नहीं करेक्ट आज अपनी एक छाप छोड़ रहा है Correct. Correct. एक ऐसा काम कर रहा है जो शायद बड़े बड़े उद्योगपति ना कर हजारों साल तक रहेगा और रहेगा उसका इम्पैक्ट रहेगा तो अगर आप ऐसे बच्चों को मैसेज देना चाहें तो क्या होगा एक ही एक चीज़ बोलना चाहता हूँ हमको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है सोच को सोच को जिंदगी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है नो फेंसिंग फॉर आवर सोच एंड लाइफ नो सेटलमेंट नो सेटलमेंट अगर आप बॉर्डर बना के रख दिया उसका अंदर ही रहेगा hmm. अगर बॉर्डर नहीं है लिमिट भी नहीं है नो लिमिट अब्दुल कलाम एक पेपर बॉय राष्ट्रपति बना बिकॉज नो बॉल्डर कुछ भी चीज करने के लिए रिसोर्सेस का कमी बोल के नहीं सोचने है पास ये नहीं है अवेलेबल क्या है? मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है ये नहीं है वो नहीं है। ऐसा सोचेगा तो वही रहता है का मिलता है उसको लेके चलते रहो आप जर्नी में आपको कोई रोक नहीं होगा जो अपने पास है उसमें बेस्ट क्या हो सकता है उस पर फोकस करना फोकस करना है और तीसरा वाला है अभी हमने हमेशा जमीन में रहना है फर्स्ट थिंग जमीन में रहना है जमीन में तब तक आप रहेगा तब तक आपका आशा रहेगा आपका एक्सपेंशन होता रहेगा सब कुछ जब जमीन से उड़ने शुरू हो जाएगा पौधे सूखने शुरू हो जाएंगे है ना जमीन में मिट्टी है न्यूट्रिएंट्स है पानी है अटैच रहो अपने आप बड़ा पौधे होगा जब पाँच फुट होने का बाद है, अगर हमने सोचा जमीन से ऊपर चले जाएंगे देन पौधे सूखने शुरू हो के बाद में एक दिन कोई आग लगा दे तो बर्न होके खत्म हो जाएगा सो बीइंग डाउन टू अर्थ being कॉमन मैन मज़ा आ गया आपसे मिलकर और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इस एपिसोड को देखेंगे और कुछ हो ना हो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है हाँ. वो तो मिलेगी हुँ. इंस्पिरेशन तो मिलेगी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू सो मच आप इतना दूर आया और आप इतना दिस इज फर्स्ट इंटरव्यू इन माय लाइफ इंक्लूडिंग बहुत सारे आदमी लोग आया मेरा मुक्त इतना जैसा friendly, आराम से yeah. कोई नहीं, मेरे को नहीं किया yeah. मेरा को इतना स्पेस दिया आप बात करने के लिए और टाइम yeah. दिया आप और पेशेंट से सुना मोर देन दैट नॉट डन इंटरव्यू यूडर्बसोल्यूटली मतलब खुश हो जाना चाहिए बस उतना yeah. काम कर देना चाहिए yeah. जितना आप ज्यादा लास्ट एंड मोमेंट तक ऐसा मारेंगे ऐसा मारेंगे कि मतलब कुछ हो, हो जाए <laughs> आपसे मिलके मजा आ गया आ, देखो आज से आ रहा है रुकना नहीं है नो बेंच मार्क सो यू एंजॉयड यू मेड माय लाइफ टुडे मेरे को बहुत खुशी हुआ मेरा बहुत आई एम वेरी हैप्पी आई इंस्पायर्ड आउट ऑफ इट थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू जब भी आप बेंगलोर में आए हाँ. आनंद जी से मिलें और आनंद जी बहुत रीचेबल इंसान है हाँ. इनके अभी चौदह लेक हुए चौदह सोलह फोर्टीन फोर्टीन लेक हो चुके हैं हाँ. और ये बढ़ते ही रहेंगे नंबर हाँ. और बहुत तेजी से बढ़ेंगे ऐसी हाँ. हमारी उम्मीद और आशा है हाँ. तो आप आगे इनसे मिलिए और ये आपको अपने लेक पर घुमाएंगे और जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको फोटोग्राफ और वीडियो में तो नहीं हो सकता है ना वो तो अलग वो भी है आप लोग जितना आदमी आएगा जितना खुशी से इसको देखेगा हाँ। आपका जो मन में जो पॉजिटिव है, है वो पॉजिटिव इधर फैलेगा मेरा पौधे पट्टे भी अच्छा है हाँ। आप देखिए ये पानी देखिए इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है आप देखिए ऐसा पानी और कहा मिलेगा देखिए आप देखिए सही बात है और इसमें कोई नेचुरली फिल्टर हो रहा है आप देखिए तो कितना मि, टेस्टी पानी मि, मिला आपको मि, कहीं